इलेक्शन 2024 के कागजा नामजदगी की जांच पड़ता आज मुकम्मल कर ली जाएगी फैसलाबाद में तलाल चौधरी ओन चौधरी जुनेद साही, मलिक नवाज़ समेत मुताद रहनुमाओं के कागजा नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए आरोस की जानब से उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आज शाम तक आवेजा कर दी जाएगी इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक से अमलाबाद में भी आज कागजात नामजदगी के हवाले से जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी आज आखिरी रोज है उम्मीदवारों के कागजा नामजदगी को आज हतमी तौर पर मनपे मंजूर या गैर मंजूर या नामंजूर करने के हवाले से हतमी लिस्ट जो है वो आज शाम साढ़े चार बजे जो है वो अवेजा की जाएगी गुज्तर रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनमा तलाल चौधरी आई पी पी के रहनमा फरुख हबीब के सुबाई हलकों से कागजा नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए इसी तरीके से शहर के हल्का एन ए एक सौ तीन पी पी एक सौ अठारह पी पी एक सौ सत्रह से मलिक नवाज के जो मुस्लिम लीग के रहनमा हैं, उनके कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए गए पी टी आई के सलीम बब्बी इकरा मुबारक और दीगर रहनमा जो है वो उनके भी कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं अलबत्त आज जो है वो एन ए एक सौ तीन से अब्रारक की जो है वो सक्रूटनी के लिए आर ओ की जानब से तलब किया गया है इसके साथ साथ आई पी पी के मलिक ताज अहमद और दीगर रहनमा को आज जो है वो सक्रूटनी के लिए जो है वो आर ओ दफ्तर तलब किया गया है आर ओ की जानब से आज साढ़े चार बजे जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर होने या फिर नामंजूर होने के हवाले से जो लिस्टें जो है वो अवेजा कर दी जाएंगी और तमाम उम्मीदवारों को जो है वो आगाह कर दिया जाएगा कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हैं या फिर नामंजूर हैं अगर नामंजूर होते हैं तो उनको फौरी तौर पर अपील में जाना पड़ेगा अलबत्त फैसला बाद में जो है वो इतराजा के हवाले से बात करें तो सवाए चंद एक उम्मीदवारों के किसी के उम्मीदवार के ऊपर जो है वो इतराजा दाखिल नहीं हुए जिनके ऊपर इतराजार दाखिल हुए थे उनका भी हतमी फैसला आज किया जाएगा जी